हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रशांत और आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस, मुझे मालूम था तुमको चाहिए था तड़कता भड़कता लंबा चौड़ा और लंबा सा सुड़ैल जैसा एक मस्त सा गेम प्ले। हाँ तो गाइस, इस बार ये कोई गेम प्ले नहीं है। इस बार हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नूब टू प्रो जर्नी इन माइनक्राफ्ट। तो गाइस देखो, बहुत लोग होते हैं वो जो है माइनक्राफ्ट नहीं खेल पाते हैं, तो आज हम जो है उनको बिगनर समझ के डे वन से लेके डे पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, बट हम जो है नूब से लेके प्रो हो जाए, क्योंकि ये है एक नूब टू प्रो जर्नी। लेट्स गो। ओके गाइस, आप कहीं पर भी स्पॉन हो सकते हो माइनक्राफ्ट के अंदर, ठीक है। तो गाइस, अगर आप एक बिगनर हो तो आपको चाहिए सबसे पहले लकड़ियाँ। लकड़ियों से बनाने होते हैं कुछ औजार, जैसे कि कुल्हाड़ी, तलवार, पिकैक्स और हो जाने की मतलब अपना फावड़ा, ठीक है, जिससे हम खेती करते हैं। तो उसकी अभी अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। अपने को जो है तलवार और मेनली एक्स की ज़रूरत रहती है, कुल्हाड़ी की ज़रूरत रहती है। तो अपने को सबसे पहले भाई पेड़ों को ढूंढ के लकड़ियाँ काटनी पड़ती हैं, ठीक है। तो क्योंकि देखो गाइस, आप जो है कहीं पर भी स्पॉन हो सकते हो, आप साइज से ज़्यादा पेड़ों के पास स्पॉन हो जाओ। मैं तो भाई खुले एरिया में मतलब मैदानी एरिया में जो है मतलब स्पॉन हुआ हूँ इस वाले गेम प्ले में, तो मेरे को पेड़ वेड़ ज़्यादा दिख रहे नहीं है। आप भी देख सकते हो थोड़े बहुत पेड़ हैं, एक दो पेड़ दिख रहे हैं आसपास में। आप साइज से ज़्यादा मतलब पेड़ को देख सकते हो। तो सबसे पहले अपने को भाई लकड़ियाँ काटने के बाद प्लैंक बनानी पड़ती है। प्लैंक बनाने के बाद अपने को बनानी पड़ती है ये क्राफ्टिंग टेबल। तो भाई क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करने के बाद अपन लोगों को जो है स्टिक्स बनानी पड़ती हैं, अगर अपने को मेनली कुछ औजार बनाने हैं, क्यों अगर बनाने हैं तो, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेन होता है लकड़ी से प्लैंक, प्लैंक से क्राफ्टिंग टेबल, क्राफ्टिंग से ट्रेबल से फिर आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो अपन लोगों ने अभी यहाँ पर जो है कुल्हाड़ी, पिकेक्स और जो है वो बना लिया तलवार, ठीक है। तलवार को सॉर्ड कहते हैं, ठीक है। और ये अपने हाथ में भाई जो है कुल्हाड़ी है इस टाइम पर, तो अपन लोग जो है कुल्हाड़ी से पेड़ काट सकते हैं मेनली। और अभी अपन लोगों को खाना भी चाहिए होता है, तो अपन लोग यहाँ पर ये सूगर मार लेंगे, सूगर मार के इसका मीट ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई अपन लोग सर्वाइव कर रहे हैं, किसी जंगल में है, कोई घर में तो है नहीं है, तो अपने को भाई यही सब चीज़ें खानी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक गाय है, अपने को उसको भी मारना पड़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा मेरे को मारने में, पर क्या किया जाए, सर्वाइवल के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन लोग ऊपर जाके भाई देखो यहाँ पर भी एक सूगर है, तो उसको बाद में मारेंगे। अपन लोग जो है सबसे पहले एक और मेन काम अपना जो होता है, देखो जैसे ये भेड़ है, भेड़ को भी मारना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अपने को वूल मिलती है, वूल से हम लोग बेड बना सकते हैं, जिससे अपन लोग जल्दी से सो जाएंगे और अपने को ना जॉम्बी से लड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जॉम्बीज जो है रात में आते हैं, ठीक है, समझ में आई ये बात। मेन पॉइंट है ये कि अपने को बेड बनाना होता है। बेड बनाने से भी ज़्यादा एक चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लगती है कि अपने को एक विलेज ढूंढ लेना चाहिए। अब गाइस देखो, मेनली विलेज आपको एक साल में मिल सकता है, एक महीने में मिल सकता है, एक दिन में मिल सकता है, एक हफ्ते में मिल सकता है, और 15 मिनट में भी मिल सकता है। तो भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी देर में मिलता है। अब मैं भी ढूंढ ही लेता हूँ भाई एक आध विलेज, ठीक है, देखते हैं भाई मेरे को कितनी देर में मिलता है। ओके गाइस, घूमते घूमते देखो मेरे को एक विलेज मिल गया, आपको भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही दिशा में चलते चले जाना और थोड़ा बहुत घूमते फिरते आपको भी एक आध विलेज मिल ही जाएगा, चिंता मत करना, 5-10-15 मिनट में मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे तो भाई लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है वो अपना गांव नहीं बसा पाते, ठीक है। गाइज अपन लोग आ चुके हैं एक विलेज के पास, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा विलेज लग रहा है, जो कि पानी के ऊपर बना हुआ है, देख ले आप। अपन लोग जो है पानी में कूद जाते हैं। ओके गाइज, पानी में कूदने के बाद अपन लोग भाई डूबे नहीं, बस इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो गाइज अपने को यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं। विलेज का काम ही यही है कि भाई अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाए, ठीक है। ये यहाँ पर फर्नेस है, अपन लोग यहाँ पर अपना खाना वाना पका सकते हैं। अपन लोग भी अपना खुद का फर्नेस बनाएंगे, जिसमें अपन लोग अपना खाना वाना पकाएंगे। तो गाइस देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस तरीके का घर हम एक अपने लिए भी बनाएंगे, जिसमें हम लोग रह सकें, ठीक है। कब तक विलेजर्स के घर में रहेंगे, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ से चेस्ट में भाई इनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं। देखो आपको ऑब्सीडियन का पत्थर मिल गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब पेना धातु माना जाता है, जिससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा पैनी हुई चीज़ें बना सकते हैं। तो जहाँ से जो है अपना लोग एप्पल ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स हैं, यहाँ पे एप्पल जो अपने खाने के काम आएंगे, अपनी भूख ख़त्म करेंगे, जिससे अपनी हेल्थ भी बढ़ेगी, ठीक है। और अपन लोग जो है यहाँ पर बाहर आ जाते हैं, और आपको मैं ये चीज़ दिखाता हूँ, ये कुछ है इसमें भाई, ये रिपेयरिंग करने का ऑब्जेक्ट है, जो बाद में अपना ये एडवांस लेवल के ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको बाद में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर जो है मतलब अपनी गाजर की खेती हो रही है इस टाइम पे, तो अपन लोग गाजर ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने भाई इनको उजाड़ दिया, किसान आएगा तो मुझे ढूंढने लग जाएगा कि भाई पागल कौन था, बे मालक।
तो गाइज अपन लोग अभी आ चुके हैं इस वाले घर के अंदर। घर के अंदर आने के बाद देखो यहाँ पर जो है एक बेड लगा हुआ है। अपन लोग भाई अभी तो इस बेड पे नहीं सो सकते क्योंकि दिन हो रहा है, रात में अपन लोग इस पे सो सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ भी है। अपन लोग जॉम्बी से बच सकते हैं, जल्दी टाइम अपना स्पेंड हो जाता है बेड पे सोने की बजाय। ठीक है, सो जाते हैं तो भाई देखो अपने साथ भी ऐसे ही होता है, रात में सोते हैं सुबह उठते हैं भाई पता ही नहीं चलता रात कब निकल जाए, बट हकीकत में रात जो 12 घंटे की होती है बहुत ज़्यादा लंबी रात होती है ना। तो अपन लोग भाई देखो ये विलेजर मेरी तरफ ही देख रहा था अभी इस टाइम पे, देखो उस वाले विलेजर को एक जॉम्बी मार रहा है पानी के अंदर। अपन लोग इसकी हेल्प करते हैं, इसको मारते हैं हम लोग। अब इसको मार क्यों नहीं पा रहा भाई, इसने इसको मार दिया। एक मिनट बे साले जॉम्बी, अबे ये बाहर आ गया जलने लग गया। देखो गाइस अगर जॉम्बी दिन में बाहर आएंगे तो ऐसे इसी की तरह जो है जलने लग जाएंगे, पर ये अपने को डैमेज तो पहुँचा ही सकते हैं, इनसे दूर रहो। अपन लोग ने इसको मार दिया, ये भाई छोटा जॉम्बी था तभी अपन लोग बच गए, बड़ा जॉम्बी होता तो ज़्यादा डैमेज देता। ओके गाइस देखो जो छोटे जॉम्बीज होते हैं वो जो है बड़े जॉम्बीज के मुताबिक जल्दी जल्दी चलते हैं। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पर अपना खाना पका लेते हैं क्योंकि अपनी हेल्थ बहुत कम है। तो अपन लोग क्या करते हैं ये नहीं का फर्नीस जो अभी यूज़ कर लेते हैं। अगर अपन लोग कच्चा भी खा सकते थे पर पका के खाते हैं तो ज़्यादा हेल्थ बढ़ती है, समझ में आई। ओके तो गाइस देखो अपना मीट यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो देखो मेनली काम अपना यही है कि अपने को पहले लकड़ियों के कुछ वेपन बनाने हैं, जैसे कि तलवार और कुलाड़ी विलाड़ी, जिससे अपन लोग क्राफ्टिंग टेबल बना सकें, प्लैंक बना सकें, मतलब और भी सारी चीज़ें बना सकें। ठीक है, फिर उसके बाद अपना सबसे ज़्यादा मेन काम पहले दिन का होगा कि अपने को एक विलेज ढूंढना है। ठीक है, तो अपने को एक विलेज ढूंढ लेंगे तो अपना काम इजी है भाई। देखो यहाँ पे विलेज आ गए, रात भी हो गई है तो अपन लोग आराम से यहाँ पे सो सकते हैं। यू मे नॉट रेस्ट नाउ, देयर आर मॉन्स्टर नियर बाई। अच्छा अपने पास में भाई जहाँ पर जॉम्बीज होगा इसीलिए अपन लोग यहाँ पे सो नहीं पा रहे हैं। देखो ये रहा भाई, ये रहा देखो खिड़की में से कैसे झांक रहा है। अपन लोग इसका वेट तो नहीं करेंगे, एक काम करते हैं दरवाज़ा खोल के इसके पहले इसका ख़त्म ही कर देते हैं, इसका खात्मा कर देते हैं। अरे ये तो एक ही शॉट में मर गया, बढ़िया भाई अपन लोग अब सो सकते हैं। देखो अब सीधा रात से दिन हो जाएगा। ठीक है, और अपन लोग जो है मेन मतलब अपना दूसरा दिन का काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अपन लोग गेट खोलेंगे और बाहर चलते हैं, नो टेंशन, आराम से इसका गेट बंद करते हैं ताकि जॉम्बी अंदर नहीं घुस जाएँ, क्योंकि भाई जॉम्बी जो है धूप से बचते हैं। ठीक है, धूप में जॉम्बीज जो है जल जाते हैं। तो अपन लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो अपन ना अपना आज का मेनली काम ये है कि अपने को एक अच्छी सी जगह ढूंढने जहाँ पर अपन लोग घर बना सकें। और भाई अपन लोगों को घर जो है ना बनाना होगा तो वो घर अपने को इस विलेज के पास ही बनाना होगा, जो कि ज़्यादा सही चीज़ भी है। ठीक है, तुम विलेज के पास अपना अपन लोग अगर घर बनाएंगे तो अपने को खाने पीने की भी ज़्यादा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेनी पड़ेगी, विलेजर्स से भी अपन लोग ट्रेड कर सकते हैं, और भाई बहुत सारी चीज़ें अपनी भी फालतू में अपने मतलब आसानी से इकट्ठी भी सकती है। तो यहां पर भाई वैसे मेरे को कोई जगह दिख रही नहीं है, पर अपन लोग जगह ढूंढ ही लेंगे। तो ओके वेल डन गाइस, मैं जो है इस जगह अपना जो घर बनाऊंगा। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले अपने को बेस बनाना पड़ता है अगर पानी के ऊपर है तो। ठीक है, तो पानी के ऊपर है तो भाई अपने को थोड़ा बेस चौड़ा करना पड़ेगा और सिंपल सा घर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घर में भाई कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, डे टू वाली वीडियो में बनाऊंगा, पर इस वाली वीडियो में अपन लोग जो है इसका बेस बना ही देते हैं। ठीक है, पानी के ऊपर। तो गाइस मेरे पास प्लैंक्स हैं, प्लैंक्स से मैं काफ़ी सारी स्लैब्स बना सकता हूं। यहां पर मैंने कुछ स्लैब्स बना ली हैं, तो अपन लोग जो है मेनली इधर आसपास में स्लैब लगाते हैं और अपना बेस क्रिएट करते हैं एक अच्छा सा। ठीक है, यहां पर ऐसे करके अपने को स्लैब्स लगानी है। ओके गाइस मेनली मैंने यहाँ पर छोटा सा एक बेस क्रिएट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग यहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्लैब्स लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अपने स्लैब्स लग जाएगा, अपना काम हो जाएगा। तो ओके गाइस मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और डे टू भाई इसका जल्दी आएगा, अपन लोग बिगिनर टू प्रो बनने वाले हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। ओके गाइस देखो आज हमने क्या क्या किया, लकड़ियाँ इकट्ठी करी, लकड़ियों से हमने वेपन बनाए, वेपन के बाद फिर हमने जो है एक विलेज ढूंढा, विलेज ढूंढने के बाद अपन लोग अपने घर की बनाने की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट पार्ट में हम अपना घर बनाएंगे और भाई स्टोन्स के वेपन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और कोयला वॉयला ढूंढेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय।